प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक से फोन पर बात की है। नरेंद्र मोदी की तरफ से सुनक को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी गई है और भारत ब्रिटेन के रिश्ते पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच में होने वाले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर भी चर्चा की गई है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने इस बातचीत को लेकर ट्वीट किया है। सुनक की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आज ऋषि सुनक से बात कर काफी अच्छा लगा। उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई। हम दोनों ही रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का काम करने वाले हैं। इस बात पर भी सहमति बनी है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को जल्द ही पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी के इस ट्वीट पर ऋषि सुनक की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने मोदी की बधाई के लिए शुक्रिया अदा किया और जोर देकर कहा कि दोनों देश साथ मिलकर काम करने वाले हैं। सुनक ने कहा कि पीएम मोदी की शुभकामना के लिए शुक्रिया। ब्रिटेन और भारत कितनी बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। मैं ये सोचकर काफी उत्साहित हूं कि आने वाले महीनों और सालों में हम दो महान लोकतांत्रिक देश आर्थिक क्षेत्र में कितना कुछ कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर चर्चा चल रही है। जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। तब भी कहा गया था कि दिवाली तक इस समझौते को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उस मुलाकात के बाद ब्रिटेन में काफी कुछ बदल गया। पहले बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया और फिर लिज़ ट्रस ने भी काफी जल्दी अपनी कुर्सी छोड़ दी। ऐसे में अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक पर इस डील को पूरा करने की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान फिर सहमति तो बनी है, पर कब तक इस डील को पूरा किया जाएगा इसका इंतजार रहने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।